वेलकम फ्रेंड्स, इंडिया के ऑनलाइन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट पीबीआर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की आपकी ट्रिकी मैथ की क्लास में हम देखेंगे आयु यानी कि एज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके चंद मिनटों यानी कि सेकंडों में सॉल्व करने के तरीके। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, इस क्लास को पूरा देखिएगा और अगर लास्ट में पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने विचारों को अवश्य कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो ट्रिक होगी वो मात्र छोटी सी ट्रिक होगी और सवाल होगा बड़ा सा। सवाल है, तीन लाइन का ट्रिक है, आधी लाइन की। अजय और विजय की आयु में 7:9 का अनुपात है, यानी कि दोनों के अनुपात कितना है, 7:9 का है। उनकी आयु का योग जो है वो क्या है, 80 है, यानी कि 80 वर्ष है। तो अजय की आयु क्या होगी, मतलब दो लड़के हैं या दो आदमी हैं, अजय और विजय, जिनकी आयु में जो अनुपात है, रेशियो है, वो 7:9 का है और इन दोनों की आयु का जो योग है यानी कि सम है वो 80 वर्ष है। तो कह रहा कि अजय की आयु क्या होगी, यानी अजय और विजय की बात हुई थी। अजय मानते हैं ए है, विजय क्या है, बी है। तो ए की आयु अगर निकालना होगा तो हम यक्स अपान एक्स प्लस वाई इंटू टी वर्ष, जितना वर्ष उसका योगफल दिया होगा रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए, ये चंद सेकंडों में आ जाएगा अगर आप समझ लेंगे तो। ए की आयु मतलब जो भी पहला व्यक्ति होगा या लड़का लड़की होगी उसकी आयु, तो बराबर हो जाएगा यक्स, यक्स वाई कहां से पाएंगे, ये जो अनुपात दिया ना, ये यक्स अनुपात है वाई मानिएगा, पहला अनुपात यक्स है, दूसरा क्या है, वाई है। तो ये हो जाएगा 7/7 + 9 × 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/16 × 80, 16 से आप काट देंगे तो 16 × 5 = 80, 7 × 5 में गुणा कर लेंगे तो 7/5 = 35 वर्ष। है ना मजेदार ट्रिक, जल्दी से लाइक कर दें क्लास को, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बहुत जल्दी करें। पहले सवाल पर आधारित दूसरे सवाल का जवाब आप लोग खुद देंगे, जो लोग नहीं समझे वो क्लास को थोड़ा पीछे करके देख लेंगे और फिर से समझ लेंगे। इसका जवाब दीजिएगा, अनुपात बदल चुका है, जो 7:9 का था ना वो 6/4 का अनुपात है और व्यक्ति वही है दोनों। आप बताओ कि अजय की आयु क्या होगी, जल्दी से कमेंट करें, सेम टू सेम वही तरीका होगा, क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देखें और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसे अभी आपने देख लिया। रीता और अनीता की आयु में अनुपात जो है वो 4:5 का है, यदि दोनों की आयु का योग 90 वर्ष है तो अनीता की आयु क्या होगी, कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर रीता को मान लेते हैं ए, अनीता को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो अगर ए की आयु निकालना है तो यक्स अपान एक्स प्लस वाई इंटू टी कर लेंगे, आपने देख लिया अभी। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति की आयु निकालना है जो दूसरा नंबर पे है तो उसकी आयु क्या करते हैं, बी की आयु बराबर वाई अपान एक्स प्लस वाई, मतलब समझ गए ना, ऊपर जो यक्स होता था ना दूसरे वाले का निकालेंगे तो ऊपर वाई हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो मान रख देंगे यानी कि बी की आयु यानी अनीता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, वाई, वाई का मान क्या है, ये यक्स है, वाई है, वाई का मान है 5, नीचे एक्स प्लस वाई यानी कि 5 + 4 + 5 क्लियर इंटू जो दिया है जितना वर्ष दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा 5/9 और ये हो गया 90, काट देंगे आ गया 10 और इस तरह से क्या हो गया, ये 50 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जल्दी से नोट कर ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, तीन सवाल हो चुका है 3 मिनट में। टाइप थर्ड आपके सामने आ चुका है, तीसरे टाइप का सवाल। देखिए, कुछ सवाल आपसे कंपटीशन में ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें दिमाग जो है ना वो अच्छे अच्छे का चकरा जाता है, तो आपका दिमाग ना चकराए और आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाए, इसी टारगेट के साथ हमारी दुआएं आपके सामने होंगी और आपके साथ होंगी। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 3:5 का है, यानी 3:5 में दोनों का अनुपात है आयु का और इन दोनों के आयु का योग जो है वो 80 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा, मतलब आज जो आयु है वो तो ठीक है लेकिन फ्यूचर में इनकी आयु कितनी होगी,
ऐसे सवालों को अगर आप कंपटीशन में बेसिक तरीके से नहीं लगाएंगे, उस माफ करिएगा बेसिक लगाएंगे तो 5 मिनट आराम से लग जाएगा, लेकिन कंपटीशन में एक सवाल के पीछे 20 से 30 सेकंड का टाइम होता है मुश्किल से, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, ये ट्रिक लगाएंगे, बेस्ट वाली ट्रिक क्या होती है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू टी वर्स, जब x क्या हो, कम हो, y ज्यादा हो। अब आप कहेंगे x y कहां मिलेगा, ये अनुपात जो दिया ना बाबू, यही तो x y है, ये x और y है, x जो है पहले है, y जो है बाद में है, तो रख दीजिए ना इसी में, करना क्या है, रख दो भाई 3 माइनस 5 और कितना हो जाएगा ये, फिर नीचे 3 प्लस 5। मित्रों इस सवाल में इसको करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का था, ठीक है, 80 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर निकालना है, 9 वर्ष बाद नहीं, अगर इसमें टाइम दे दिया जाएगा ना तो इसकी ट्रिक अलग हो जाएगी, तो इसी ट्रिक पे हम करेंगे, लेकिन ये सवाल कुछ ऐसे है जैसे अब दिख रहा है, ठीक है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, आयु का अंतर बराबर, जब x बड़ा होना चाहिए y से, यानी कि 5 जो है पहले, 3 जो है वो बाद में है, ठीक है, तो ये ट्रिक लगाएंगे x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई और फिर हल कर लेंगे, 5 x का मान है और 3 y का मान है, रख दिया 5 में से 3 गया 2 और ये जोड़ दिया 5 3 8, क्लियर, और फिर ये 80 काट दो भाई 10 आ गया, इक्वल कितना हो गया 20 वर्ष है ना, 20 ईयर आ गया ना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, कितना वर्ष होगा 20 वर्ष, अच्छे से लिख लीजिए 20 वर्ष, ऑप्शन जो है इसमें कोई भी सही नहीं होगा क्योंकि उस टाइप का ऑप्शन नहीं है, अनुपात में उत्तर नहीं होगा, आप लोग इसमें काफी झल्ला गए होंगे ना, तो ये आपका 20 वर्ष आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पहले ये सवाल थोड़ा सा गलत था, यानी अलग टाइप का था और इस टाइप का नहीं था, सवाल फिर से देख लीजिए, रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:3 है, यदि इनकी आयु का योग 80 वर्ष है तो इनकी या फिर उनकी आयु का अंतर क्या होगा, सिंपल सा सवाल है, पहले की तरह ही है, इसमें केवल अंतर निकालना है, पहले के सवाल में हम लोग निकालते थे कि सुरेश की आयु कितनी है, रमेश की आयु कितनी है, आयु निकालते थे, लेकिन इसमें हम योग दिया तो अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना है 20 वर्ष है, समझ गए ना, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, नोट कर लीजिए, अगर आप ट्रिकी मैथ इसी तरह से हर दिन पाना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि हाँ हम ट्रिकी मैथ पाना चाहते हैं और लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है ना। अब तक आपकी ट्रिकी मैथ की क्लास बंद थी, जब से रेलवे की परीक्षा हो गई उसके पहले आप लोग देखते थे, हर दिन होती थी, है ना, तो बेसिक मैथ तो आपकी चली रही है, और आपकी जो भी सुझाव शिकायत होंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ये नंबर आपके सामने लिखा है, यहाँ भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा अगली क्लास के साथ, आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें और दिखाते रहें आपका अपना PBR स्टडी, जी हाँ बिल्कुल, प्रयास करने से कभी ना चूकें, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं, जो पानी में भीगता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने में भीगता है वो इतिहास बदलता है, तो आपको इतिहास बदलना है लिबास नहीं। जय हिंद, जय भारत।